आईपीएल 2023 के 49वें मैच में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को इस सीजन में दूसरी बार हरा दिया। वानखेड़े में जब यह दोनों टीमें भिड़ी थी तो तब भी चेन्नई ने मुंबई को हरा दिया था, तो वहीं चेपॉक में भी सीएसके ने मुंबई को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने चेन्नई को जीत के लिए 140 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे माही की सीएसके ने 18वें ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई को इस टूर्नामेंट 2 लगातार हार और 1 मैच बारिश में धुल जाने के बाद यह जीत नसीब हुई है। इस जीत के बाद चेन्नई अंक तालिका में 13 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, वहीं मुंबई 10 पॉइंट के साथ 6वें स्थान पर है। मुंबई के खिलाफ मिली इस जीत के बाद सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरह लाइमलाइट में नजर आए। मैच खत्म होने के बाद धोनी युवा खिलाड़ियों के साथ और मुंबई फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ बात करते नजर आए।